हेलो फ्रेंड, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एड जो को यहाँ पर अपने टास्क बार में एक बार पिन कर लेते हैं ताकि हर बार हमें उसे ढूंढना ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एड्ज लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज आ जाएगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पिन टू टास्क बार, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पिन टू टास्क बार पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर टास्क बार में आपके माइक्रोसॉफ्ट एड्ज आ जाएगा। अब इसे ओपन कर लें। अब इस पर हमें हमारे बीसी साइट की सेटिंग और बीसी साइट को यहाँ पर फेवरेट बार में भी लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर इंटर यूआरएल में अपनी बीसी साइट को एंटर कर लेना है। बीसी साइट को एंटर करने के बाद एंटर बटन दबाएं। आपको जो मैसेज मिल रहा है उस पर ओके करें। ओके करने के बाद सबसे पहले हमें बीसी साइट को फेवरेट बार के अंदर ऐड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर पीछे एक हाफ स्टार दिखता होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार के ऊपर एक प्लस का बटन दिखता होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके बीसी साइट डल के आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें वह नाम दे सकते हैं और एंटर कर दें। इसके बाद एक नया टैब लें और पीछे वाला टैब को हटा दें। अब आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर बीसी साइट लिखा हुआ आ गया। जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट बीसी साइट पर पहुंच जाएंगे। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एज में बीसी साइट खोलने के लिए इसकी सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो तीन बिंदु दिख रहे हैं इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सेटिंग, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ऊपर आपको प्रोफाइल दिखा रहा है। इस प्रकार थोड़ा सा नीचे आएंगे आप यहाँ पर तो कुकीज एंड साइट परमिशन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर का वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट भी करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। कुकीज एंड साइट परमिशन पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको कि ब्लॉक। अब पॉपअप सभी साइट्स के बंद है तो यहाँ पर हमें किस साइट के अंदर अलाउ करना है उस साइट को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी बीसी साइट डालें। फ्रेंड्स, हमने बीसी साइट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के लिए बीसी साइट को पहले सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल सी प्लस बटन टैप करें। यहाँ पर आपकी बीसी साइट कॉपी हो जाएगी या फिर आप अपने माउस के राइट हैंड साइड से ओके करने के बाद यहाँ से कॉपी ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसके बाद इसे यहाँ पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हमें आना है डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इसे मैक डिफॉल्ट पर क्लिक कर देना है। मैक डिफॉल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है अलाउ साइट्स टू बी रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आईई मोड, इसे अलो रखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आता होगा आपको इंटरनेट एक्सप्लोर मोड पेजेस, इस पे यहाँ पीछे जो ऐड लिखा हुआ है यहाँ से ऐड पर क्लिक करें और यहाँ पर भी अपनी बीसी साइट को डाल दें और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर नया टैब खोल लेना है और इस टैब को क्लोज कर देना है। नया टैब खोलने के बाद आप यहाँ पर बीसी साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीसी साइट ओपन होने लगी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऊपर आपको एक मैसेज मिलता होगा यू आर इंटरनेट एक्सप्लोर मोड मोस्ट पेजेस वर्क बेटर इन माइक्रोसॉफ्ट एड्स, इसे हमें ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट पर कभी क्लिक नहीं करना है। इसे यहाँ से क्रॉस मार दें और इसके बाद अपनी बीसी साइट आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू कर दें।